हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आप जब भी गूगल क्रोम ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो आपको वहां पर रीकैप्चा का ऑप्शन आ जाता है, आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जो है उसको कैसे डिसेबल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थ्री डॉट्स है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको रिसेट सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट, इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर रिसेट सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर जो है क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर गूगल क्रोम की सेटिंग जो है वो रिसेट हो जाएगी। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर जो है क्लिक कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो है यहाँ पर टाइम रेंज में ऑल टाइम को जो है सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, बेसिक टैब में। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल बॉक्स में टिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गूगल क्रोम की हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी। फिर आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।